राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी कोई अच्छे होंगे। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बलिया जिला है, वहाँ पर सूरन का अचार डाला जाता है। दोस्तों, मैं बलिया जिला की हूँ, ये इसको बराबर का अचार बोलते हैं। ये है सूरन, ये है अदरक। इसमें इतना ही, जितना सूरन उतना ही अदरक, उतना ही लहसुन, उतना ही मिर्चा डाला जाता है। दोस्तों, हम लोग लहसुन नहीं खाते हैं, कोई कोई लोग नहीं खाते हैं, इसलिए इसमें मैंने लहसुन नहीं डाला। और हरा मिर्चा डालने से थोड़ा ख़राब होने का डर ज़्यादा रहता है, इसलिए दोस्तों मैंने हरा मिर्चा भी नहीं डाला। लेकिन दोस्तों, अगर आप इसको बनाएंगे ना, तो आप 10 साल रख के खाएंगे, आप बना के देखिएगा ज़रूर। ये इतना अच्छा अचार बनता है कि मैं क्या बताऊँ। ये देखिए, सूरन है, ऐसा होता है। ये मैंने छील के काट के इतना रख लिया है दोस्तों। और ये सूरन को मैंने सवेरे कद्दूकस करके धूप में सुखा दिया था, और ये अदरक को धूप में सुखा दिया था। दोस्तों देखिए, इसमें अमचूर और ये सरसों का मसाला, ये सरसों, इसमें सरसों में थोड़ा सा अजवाइन डालूँगी, थोड़ा सा मेथी और थोड़ा सा कलौंजी, बाकी ये वो है कश्मीरी मिर्च है, ये मिर्च है, ये अमचूर है, नमक है और ये तेल है। दोस्तों, ये सरसों का मसाला, सरसों इसमें बहुत ज़रूरी होता है, ये सरसों मैंने डाल रखा है। दोस्तों, इतना चीज़ मैंने ये सरसों, सौंफ और थोड़ा सा मेथी डाल के मैंने सरसों के साथ पीस लिया है, बाकी इसमें और कोई मसाला नहीं पड़ता है। दोस्तों देखिए, मैंने ये मिला मिक्स कर दिया है, ये देखिए। अब इसमें कुछ करना नहीं है, इसमें सारे मसाले मिक्स करके एक दो दिन धूप में रख करके इसको जो है वो कर देना है, डाल देना है। दोस्तों, ये कश्मीरी मिर्च है, ये अमचूर है, ये नमक है, ये थोड़ा सा, इसमें कलौंजी पड़ता नहीं है, थोड़ा सा बस, और ये अजवाइन है। दोस्तों, मेरे पास हींग नहीं था, मैंने हींग नहीं डाला, बाद में डाल दूंगी इसको। और ये देखिए दोस्तों, ये सरसों का मसाला है। ये दोस्तों कम डालेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, उसमें इसका स्वाद आता है, सूरन का। और ओल भी बोलते हैं, सूरन बोलते हैं दोस्तों। पीलीभीत तरफ इधर बरेली में इसको जिमीकंद बोलते हैं। देखिए दोस्तों, इसमें मैंने तेल डाल दिया, अभी ज़्यादा तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा तेल नहीं, इसको ये सब्जी जैसा ही रहता है, मतलब कि ज़्यादा तेल इसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको इतना मैंने तेल डाल दिया है दोस्तों, एक दो दिन इसको धूप दिखाऊंगी, उसके बाद इसको रख देंगे। दोस्तों इतना अच्छा अचार है, मैंने उबाला नहीं है, यहाँ पर लोग उबाल के बनाते हैं, लेकिन हम लोग उबाल के नहीं बनाते हैं इसको। देखिए दोस्तों, ये बन गया, इसको दो तीन दिन धूप दिखाइए, और इसके बाद इसको बर्नी में डाल करके और तेल डाल करके रख दीजिए, तेल को गर्म कर लीजिएगा। दोस्तों एक बात और बताती हूँ, इसमें ये पहले जो है देसी आता था, वो बहुत खुजली करता है दोस्तों, इसमें खटाई डालना बहुत ज़रूरी होता है। और दोस्तों अब तो वो आ रहा है हाइब्रिड, दोस्तों वो खुजली नहीं करता है, आप कभी भी बनाइए, हमेशा मिलता है। दोस्तों ये अचार बनाएंगे तो आप कोई भी अचार भूल जाएंगे, खा के देखिएगा। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों, इसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे राधे।